नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। केजरीवाल सरकार लगातार जिस काम को करने से पीछे हटती रहती है, मगर जब बात इलेक्शन की हो, वोट बैंक की बात हो, तो वो काम तुरंत करती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है छठ पूजा। छठ महापर्व यूपी बिहार के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद छठ पूजा की छुट्टी का अनाउंस हुआ। केजरीवाल सरकार पहले इसके लिए मना कर रही थी, मगर फाइनली इसके लिए राजी हुई और अब छठ पूजा की छुट्टी होती है। ऐसा ही एक उदाहरण था, अभी कुछ दिन पहले तक दिल्ली में केजरीवाल सरकार लगातार ये कहती थी कि जो यमुना नदी है उसमें पोल्यूशन का जल स्तर बढ़ जाता है, उसमें जो जल होता है वो दूषित हो जाता है। लोग छठ पूजा के टाइम पे यूपी बिहार के लोग इसमें गंदगी फैलाते हैं। एनजीटी मना करती है, दिल्ली सरकार इसके लिए लगातार मनाही रखती है। अभी गणेश विसर्जन की बात हो या ऐसे इससे पहले भी जब ऐसा हुआ है, छठ पूजा की बात जब आई है, इससे पहले भी छठ पूजा मनाई गई है दिल्ली के अंदर। छठ घाट जो यमुना किनारे थे वो सभी बंद कर दिए गए थे, वहां कहीं पे भी छठ पूजा नहीं होती थी। उसका कारण दिया जाता था कि यमुना में गंदगी हो जाती है। काफी गुस्सा और नाराजगी के बाद भी केजरीवाल सरकार ने कभी भी इसको ओपन नहीं किया। कभी भी छठ घाट जो यमुना किनारे थे उन पे मनाने के लिए उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी। मगर अब क्योंकि इलेक्शन है, एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, और अभी कई राज्यों में जो इलेक्शन है उसको भी देख के चलना है, तो इसी को देखते हुए जब यूपी बिहार के लोगों ने इसको लेके सांसद मनोज तिवारी घर पे जाके काफी रोष व्यक्त किया, अपनी बात रखी, तो सांसद ने भी आश्वासन दिया कि हम इसके लिए केजरीवाल सरकार से अपील करेंगे और उनसे इस चीज के लिए बात करेंगे। और कुछ भी हो, चाहे सांसद जी की बात मानी गई हो, चाहे लोगों के दबाव में, मगर यूपी बिहार के आगे जो यूपी बिहार के रहने वाले लोग हैं, जिनको हमेशा सिर्फ वोट बैंक ही माना जाता है, उनके किसी भी कार्य को यूपी बिहार के जो लोग यहां रहते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में, उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती। मगर अब ऐसा नहीं हुआ। वोट बैंक और इलेक्शन, क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार यूपी बिहार के लोगों के आगे झुक गई है। उसने छठ घाट जितने भी यमुना के किनारे थे उनको परमिशन दे दी है कि आप वहां पूजा करिए, अपनी छठ पर्व जो आप मनाते हैं वो मनाइए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका सीधा जागता जागता उदाहरण अगर आपके सामने हम रखते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट होता है ये कि वोट बैंक और इलेक्शन है एमसीडी के, दोनों को ही साधना है। एमसीडी में केजरीवाल सरकार चाहती है कि वो जीते, इसी के चक्कर में उन्होंने ये परमिशन दे दी, वरना इससे पहले भी दिल्ली के यमुना नदी में बहुत प्रदूषण होता था। यही छठ के पुजारी जो छठ पे पूजा करते थे, यही छठ व्रती लोग ही वहां पे जाते थे तो उनको गंदगी दिखती थी। इससे पहले तक हमेशा ऐसा हुआ है, मगर इस बार क्योंकि अभी एक आध दो महीने बाद इलेक्शन है एमसीडी के, तो उन्होंने ये परमिशन दे दी और उन्होंने यूपी बिहार के लोगों की नाराजगी झेलना अच्छा नहीं समझा। अगर ऐसा करते तो बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर में जो यूपी बिहार के लोग हैं वो रहते हैं, वोट बैंक खिसक जाता और केजरीवाल सरकार को लेने के देने पड़ जाते। इसीलिए यह उन्होंने इनकी बात मान ली और परमिशन दे दी कुछ शर्तों के साथ कि हम एजेंसियों को बोलेंगे, हम लोग जो अपने वॉलेंटियर हैं उनको बोलेंगे, उन सरकारी विभागों को बोलेंगे जो इस पे निगरानी रखेंगे, कहीं भी कोई पोल्यूशन ना हो, कहीं भी कोई गंदगी ना फैले, कहीं भी यमुना को कोई हानि ना हो, इसका ख्याल हम रखेंगे और एजेंसियां इस पे लगातार निगरानी करेंगी, इसी के चलते हम ये परमिशन दे रहे हैं। मगर इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण सिर्फ वोट बैंक है, इसका कारण सिर्फ एमसीडी का इलेक्शन है। इसी के चक्कर में यह यूपी बिहार के इस पर्व को, जो बहुत धूमधाम से ये लोग मनाते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी यूपी बिहार के वो लोग जो यहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत अहमियत रखता है त्यौहार, और उनको खुश करने के चक्कर में अब इस साल ये परमिशन दी गई है। इससे पहले कभी परमिशन नहीं दी गई और इसके बाद भी नहीं दी जाएगी, आप ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। जब इलेक्शन आएगा केजरीवाल सरकार ऐसे ही फैसले लेती रहेगी। खैर कुछ भी हो, छठ घाट पे
इस बार छठ पर मनेगा जो कि यमुना किनारे जहां पे भी हैं वहां सभी पे छठ घाट बनाया जाएगा, वहां पे छठ मैया की पूजा होगी। और यह जो भी छठी मैया को पूजते हैं, जो भी यह पर्व मनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशखबरी की बात है उनके लिए, और उनके लिए काफी ये बड़ी खबर है। और कुछ भी हो, चाहे वोट बैंक के लालच में ही सही, चाहे एमसीडी के इलेक्शन को देख के ही सही, मगर वो यूपी बिहार के लोगों की ताकत को समझे तो सही, इसी कारण वो झुके हैं और फाइनली उन्होंने इसकी परमिशन दे दी है। यानी केजरीवाल सरकार यूपी बिहार के लोगों के आगे झुक गई है और उनकी इस मांग को मान लिया है। कारण वोट बैंक और एमसीडी इलेक्शन है। मगर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, खासकर छठी मैया का पूजा करने वाले, छठ पर्व मनाने वाले उन सभी यूपी बिहार के लोगों को, उन सभी के लिए जो यह पर्व मनाते हैं और जो हमेशा यह चाहते थे कि वह छठ घाट पे यानी यमुना किनारे, क्योंकि यह पूजा जो होती है सूर्य भगवान को अर्घ देके, और यह यमुना या ये कहें नदियों के किनारे, झीलों के किनारे मनाई जाती है, यह पर्व होता है। और फाइनली इसी को देखते हुए वो काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ केजरीवाल सरकार के राज में ऐसा होता था। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ। पॉल्यूशन तब भी होता था और आज भी होता है। मनोज तिवारी ने इसके लिए उनको काफ़ी बोला कि हम इसको समझाएंगे इस चीज़ पे कि हमारी पूजा होती है, हम दूध, गंगा जल ऐसी चीज़ों का अर्पण करते हैं नदियों में, ना कि हम गंदगी फैलाते हैं, आप आइए देखें तो सही। और क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनकी नाराजगी मोल लेना केजरीवाल सरकार के बस की बात नहीं थी। और इसी के चक्कर में उन्होंने यह अब परमिशन दे दी है। देर आए दुरुस्त आए, और यूपी बिहार के लोगों के आगे झुके ही सही, मगर उनके इस पर्व के लिए उन्होंने परमिशन दी। और अब यह छठ पर्व सभी यमुना घाट के किनारे मनाया जाएगा, जहां सरकार भी व्यवस्था करेगी और प्रशासन भी यहां लगा रहेगा। एन भारत टीवी दिल्ली।